वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम वैग पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सर्वधर्म समभाव। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वधर्म समभाव, इसका मतलब होता है सर्वधर्म, यानी कि जितने भी धर्म हैं दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं, उनको समान भाव से, एक जैसे भाव से देखना, एक जैसे तरीके से उनको ट्रीट करना, एक जैसे उनको सुविधाएं देना, एक जैसे अवसर प्रदान करना। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जो भी उसका धर्म है, उसको आज़ादी होनी चाहिए अपने धर्म को, अपने कस्टम को अपनाने की, उसको प्रोपेगेट करने की, ठीक है। एंड इसी वजह से हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म को अपनाया गया, ठीक है। सर्वधर्म समभाव जो है, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। एंड इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि जितने भी रिलीजन हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन हैं उनको फॉलो करने का जो रास्ता है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। सभी रिलीजन इक्वल हैं एंड उनको फॉलो करने का रास्ता भी इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को विशेष अधिकार दिया जाए कि या किसी एक धर्म के व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाए, बाकियों को उन अधिकारों से वंचित रखा जाए, ऐसा नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार धर्म के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाते हैं। द फ्रेज वॉज इज़ एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी, ये जो फ्रेज था सर्वधर्म समभाव, ये महात्मा गांधी ने दिया था सितंबर 1930 में, ठीक है, जब वो अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उस टाइम पर उन्होंने ये जो लाइन है सर्वधर्म समभाव, ये बोली थी, क्योंकि उस टाइम पर, जैसे कि आपको पता है, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में काफ़ी तनातनी थी, डिवीज़न की बात काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस टाइम पर उठ गई थी कि इंडिया का डिवीज़न होना चाहिए। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने ये जो लाइन थी सर्वधर्म समभाव, ये उस टाइम पर बोली थी, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि सब धर्मों के लोग एक साथ मिलकर गए, भाईचारे की भावना हो, ठीक है। गांधी जी जो थे, उनका उद्देश्य जो था वो था लोगों को यूनाइट करना, एक करना, ठीक है, एकता को बनाए रखना, बढ़ाना, एकता को, बंधुता को बढ़ाना गांधी जी का मेन उद्देश्य था, ठीक है। इसलिए वो हर कास्ट और कम्युनिटी के लोगों को एक समान व्यवहार देने की बात पर जोर देते थे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ द की टेनेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेक्युलरिज्म की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से ये सेक्युलरिज्म ही है, ठीक है। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता में भी इसी बात पर बल दिया जाता है कि सभी धर्म समान हैं एंड हर धर्म के व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए अपने धर्म की रीतियों को निभाने की, ठीक है। एंड उन्होंने ये कहा कि कोई भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में धर्म के आधार पर, लोग एकता से रहे, एकजुटता से रहे, ठीक है। एंड अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए तो सर्वधर्म समभाव जो है, इसकी अगर ट्रांसलेशन देखी जाए तो इसका मतलब होता है ऑल रिलीजन्स आर द सेम, ऑल पाथ्स लीड टू सेम डेस्टिनेशन। मतलब कि सभी धर्म समान हैं, सभी जो रास्ते हैं वो एक ही गंतव्य की तरफ जाते हैं। ये रिलीजियस सेंस में कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो अपनी राह पर चलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, अंत में उसको एक ही जगह जाना होता है मरने के बाद। तो गांधी जी जो थे, उनका कहना ये था कि जब हर धर्म का रास्ता एक ही जगह पर जाने के लिए बताता है तो सभी धर्म समान हैं, ठीक है। एंड वो मानते थे ऑल धर्म फेथ्स आर पॉसिबल, ठीक है, अगर व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है अगर व्यक्ति ठान ले तो। इसलिए जो लोग हैं उनको आपस में
लड़ाई झगड़ा छोड़कर एकजुट होकर रहना चाहिए, यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। तो ये टॉपिक हमने आज किया है सर्वधर्म समभाव। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।